कोटा के कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की सुसाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच राजस्थान सरकार ने शिक्षा सचिव भवानी सिंह डेड़ा की अध्यक्षता में 15 सदस्यों वाली समिति का गठन किया है। राजस्थान सरकार ने कोटा समेत राज्य के सभी कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के अनुसार कक्षा 9 के नीचे के छात्रों को कोचिंग संस्थानों में प्रवेश देने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही छात्रों को एडमिशन देने से पहले कोचिंग संस्थानों को स्क्रीनिंग परीक्षा लेनी होगी और बैचों का संचालन छात्रों की रैंक के बजाय अल्फाबेटिकली किया जाएगा। इस संबंध में अब राज्य सरकार ने शिक्षा सचिव भवानी सिंह डेड़ा की अध्यक्षता में 15 सदस्य समिति का गठन किया है। कोटा से लगातार आ रही छात्रों की आत्महत्याओं की खबरों के बीच सरकार ने अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नियमों को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। इस साल कोटा में अब तक 25 छात्रों ने सुसाइड की है, जो कि 2015 के बाद सबसे ज्यादा है। कोटा पुलिस की स्टूडेंट सेल हेल्पलाइन के अनुसार अब तक यहां कुल 45 छात्र अपनी जान दे चुके हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा इन गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कोचिंग के बड़े अड्डों कोटा और सीकर में मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाने का भी प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के स्टाफ के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई का भी इंतजाम किया जाएगा। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सरकार एक ऐसा इंटीग्रेटेड पोर्टल भी डेवलप करेगी, जिसके जरिए मॉनिटरिंग सेंटर के पास कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले सभी संस्थानों का डेटा होगा। वहीं छात्रों का एडमिशन को लेकर ये कहा गया है कि कोचिंग सेंटर 9वीं कक्षा से नीचे के छात्रों को दाखिल नहीं करेंगे। समिति ने कहा कि यदि 9वीं कक्षा से कम उम्र का कोई छात्र दाखिल हुआ है और वो संस्थान छोड़ना चाहता है तो कोई संस्थान उसे पूरी फीस रिफंड किए बिना नहीं जाने देगा। इसके अलावा नए एडमिशन्स प्रवेश परीक्षा के जरिए ही होंगे। सरकार की ओर से जारी कोचिंग रेगुलेशन गाइडलाइंस के अनुसार आसानी से संस्थान छोड़ने और रिफंड की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। विशेषज्ञों ने इस बात की ओर इशारा किया है कि कोर्स के मध्य में छात्र के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है। कई छात्र इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन वो कोचिंग छोड़कर वापस घर नहीं जा सकते क्योंकि उनके घर वालों ने एक बड़ी राशि उनकी शिक्षा के लिए लगाई होती है। इसके अलावा छात्रों के बैच भी अल्फाबेटिकली बनाए जाएंगे, ऐसा ना हो कि कोर्स के मध्य में वीकली असाइनमेंट के परफॉर्मेंस के आधार पर। साथ ही छात्रों का रिजल्ट सार्वजनिक न किया जाए। जो छात्र पढ़ाई में कमजोर हों उनकी व्यक्तिगत रूप से काउंसलिंग की जाए और उनकी मार्कशीट भी गोपनीय रखी जाए। छात्रों में सुसाइड की बढ़ती मानसिकता के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने जो ये फैसला लिया है, उस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।